एक दो हफ्ते पहले ही प्रिपेयर कर दिया था एंड मैं इसको तब से यूज कर रही हूँ ऑन डेली बेसिस एंड आप मेरे फेस पे यू नो एक बहुत ही नेचुरल सा ग्लो आप देख सकते हैं तो जी हाँ ये उसी मॉइस्चुराइजर का कमाल है सो या तो जो मैं आपके साथ मॉइस्चराइजर आज शेयर कर वाली हूँ वो जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर होने वाला है एंड उसके जो हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे इसकी सबसे चिपचिपाह नहीं रहती है यू नो जिस तरह की अभी जैसे विंटर्स चल रहे हैं तो इस तरह का जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर जो होता है वो आपकी स्किन को ना यू नो ज्यादा ड्राई करता है और ना ही ज्यादा यू नो ऑइलीस आपकी स्किन पे देता है तो ये बहुत ही अच्छा करता है पे। so, परचेस करते हो, तो वो अप्रोक्सिमेटली कम से कम तो है 400 सौ का आपको पड़ता है उसका प्राइस एक अच्छी कंपनी का मॉइस्चराइजर की मैं बात ठीक है ऐसे सस्ते वस्ते का नहीं एक अच्छी कंपनी का मॉइस्चराइजर अगर आप लोगे जेल बेस्ड तो वो आपको चार सौ आराम से आपके पॉकेट को हिट करता है बट सेम वही मॉइस्चराइजर जो है जेल बेस मॉइस्चराइजर है वो हम घर में बनाएंगे वो भी बिल्कुल कम से कम अंडर हंड्रेड रुपीज सौ रुपए के अंदर हम इस मॉइस्चराइजर को बनाएंगे जी हाँ तो वो जो वर्क करता है वो जेल बेस मॉइस्चराइजर बहुत ही अच्छा है बेसिकली जो इस मॉइस्चराइजर की सबसे अच्छी खास बात है ये किसी भी मौसम आप यूज कर सकते हो विंटर्स में समर्स में अभी तो विंटर्स है तो विंटर्स में भी बहुत अच्छा वर्क कर रहा है जबकि जेल बेस मॉइस्चराइजर जो है विंटर्स में यू you नो know, थोड़ा बहुत आपको ड्राइनेस देते हैं बट ये बहुत ही अच्छा कमाल का वर्क कर रहा है तो चलिए देखते हैं कि क्या कैसे हमें इसको करना है हाउ टू प्रिपेयर दिस मॉइस्चराइजर एंड इसका एप्लीकेशन कैसे करना है हमें तो चलिए आगे देखते हैं कि इसमें क्या क्या, क्या चीजें मैंने इसमें इंक्लूड इसमे करी है क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है इसमें मैंने जो मैंने जो डाले हैं एंड या सो या आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता कि uh, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो so, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड अगर आप पहले से ही मेरे चैनल के सब्सक्राइबर हैं तो प्लीज मेरी वीडियोस को आगे शेयर करिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ विदाउट एनी फर्दर डू लेट स्टार्ट द वीडियो तो पहली चीज़ हम यहाँ पे ले लेंगे एलोवेरा जेल आप कोशिश करना है कि आप भी यहाँ पे ट्रांसपेरेंट एलोवेरा जेल लें ये कलर वाले से ज़्यादा बेटर होता है एंड आप काफ़ी लोग बोलेंगे कि हमारी स्किन पे जो है एलोवेरा जेल सूट नहीं होता है पिंपल्स हो जाते हैं हमारी स्किन सेंसिटिव है देखो अगर आप एलोवेरा जेल को आप किसी ब्लैंड के साथ यूज़ करोगे ना तो वो बहुत अच्छा वर्क करता है आपकी स्किन के लिए तो यहाँ पर हम सबसे पहले लेंगे एक बाउल ठीक है सुंदर सा बाउल होना बहुत ज़रूरी ताकि हम पूरे मन से अपने लिए मॉइस्चराइजर बनाएं ठीक है उसके बाद क्या है ना दो चम्मच मैंने यहाँ पे एलोवेरा जेल डाल लिया है उसके बाद मैं यहाँ पर डालूंगी रोज़ एसेंशियल ऑयल अब रोज एसेंशियल ऑल ऑयल हर किसी के घर में नहीं होता बट आपको ये खरीदना पड़ेगा एंड आप सोचोगे अब खरीदना पड़ेगा मॉइस्चराइजर बनाने के लिए पर आप इसको रखोगे ना घर में अगर आपके पास चीजें होंगी घर में रिसोर्सेस होंगे आपके माइंड में ना फिर उतने ही आइडियाज आते हैं आप इसको कितनी तरह से तरीके से यूज कर सकते हो आप इसको किसी फेस पैक में यूज कर सकते हो या जैसा भी मॉइस्चराइजर बना रहे हो उसमें यूज कर सकते हो यू नो तो ये काफी अच्छे से यूज हो जाता है उसके बाद मैं यहां पर ले रही हूँ डाबल गुलाबरी का ये रोज वाटर ठीक है रोज वाटर भी बहुत अच्छा वर्क करता है आपकी स्किन आपकी स्किन को बहुत स्मूथ बना आता है एंड उसके बाद यहां पे ग्लिसरीन तो ग्रिस्रीन का काम क्या होता है, है एंड मुझे ना फ्रिज में रखने की भी को मैंने इसमें करा है तो आप इसको बाहर भी रख सकते हैं तो अब क्या है ना अब इसको हम अच्छे से विस्क करेंगे अच्छे से ब्लेंड करेंगे जब तक यू नो मुझे ट्रांसलूसेंट कलर ना आ जाए जब तक पेस्ट थिक ना बन जाए व्हाइट सा कलर ना आ जाए इसमें इसको हमें ब्लेंड करते रहने तर रहने करते रहना ताकि हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिले मॉइस्चराइजर का एंड लास्ट में आपको इसको रखना है एक कांच के कंटेनर में तो आप प्लास्टिक में भी रखोगे तो आपको उससे फिर जल्दी यूज़ करना पड़ेगा तो आप इस तरह के कांच के कंटेनर में रखो ये अमेजोन से मैंने मंगवाया था मैं इसका लिंक मैंशन कर दूंगी आपको एंड इसको ऐसे रखने के बाद आप इसको यूज़ करिए एंड मुझे कॉमेंट करके बताइए कि आपको ये मॉइस्चराइज़र कैसा लगा आई एम श्योर ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा क्योंकि मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद आया था गाइस so है ना ये कमल का मॉइस्चराइजर आई होप आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा आप इसको लगाइए एंड इसकी सबसे बड़ी बात है ये आप मेल uh, फीमेल आप बच्चों को सबको लगा सकते हैं ठीक है जो सेंसिटिव uh, स्किन वाले हैं वो एक बार यू you नो know, पैच टेस्ट कर ले अपना अदरवाइज यू आर गुड टू गो ये कोई भी मॉइस्चराइजर यूज कर सकता है एंड या सो गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आए अगर आपको मेरी वीडियोज थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही हो सो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए एंड प्लीज मुझे कॉमेंट करके बताना है कि आपने इसको बनाया और आपने जब इसको यूज़ करा तो आपको इसके रिजल्ट कैसे लगे सो यू नो मुझे भी एक फीडबैक मिल जाएगा कि हाँ जो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ या जो चीज़ मैं आपको कन्वे कर रही हूँ जो भी मेरी रिसर्च वगैरह होती है वो सही जा भी रही है कि नहीं जा रही है नो क्या गाइज ये था मेरा आज का वीडियो तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में बाय बाय